Now, today we will continue with the chapter which I taught yesterday. The chapter number 8, NCERT, 10th class. The name of the chapter is How Do Organisms Reproduce? So, yesterday we have learned about variation and DNA formation. Today we will learn about asexual mode of reproduction. As I said, that there are two modes of reproduction. One is called as sexual mode of reproduction, another one is called as asexual mode of reproduction. And now today we will start with the asexual mode of reproduction. So, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कितना आपका सिलेबस क्या है 10th क्लास एनसीईआरटी में, आपको क्या क्या पढ़ना है, what we are going to cover. Fine? So, here, modes of asexual reproduction. The first one that we have to study is fission. The second one which we have to study is fragmentation. The third one which we have to study is regeneration. Then budding. Then vegetative propagation. Under vegetative propagation, we have to cover two topics, natural and artificial. Then we have to study about spore formation. So, itne 6 tarah ke asexual reproduction jo hai wo hume padhna hai. Now, so if we talk about asexual reproduction, in this only one parent is involved, and this is very common mode of reproduction in case of unicellular organism or lower animals. तो इनमें लोअर एनिमल्स में या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है. कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, उसके लिए कंडीशन जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए. तो जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द बाइनरी फिशन. सो देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी फिशन इन केस ऑफ अमीबा. दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और हम एक पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में अमीबा के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है. तो लेट अस स्टडी ये अमीबा जो है उसमें बाइनरी फिशन कैसे होता है. तो जो अमीबा है उसमें बाइनरी फिशन के लिए सबसे पहले वी नो दैट देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर फिक्स शेप ऑफ अमीबा. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया. व्हाट डू यू कॉल इट एज? स्यूडोपोडिया. स्यूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मतलब लेग्स. तो क्योंकि लेग्स का भी काम करते हैं, ये मूव करने में काम करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्यूडोपोडिया. ओके बेटा, इसमें सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहला काम क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना यानी डीएनए की कॉपी होना. तो डीएनए की कॉपी जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फाइन, तो सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा. तो ये जो न्यूक्लियस है सबसे पहला काम क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा. तो इस तरह से न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा. जब न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा तो दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. ये हमें ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब टूटना, यानी न्यूक्लियस का दो पार्ट्स में डिवाइड होना. तो कैरियोकाइनेसिस होगा सबसे पहले, कैरियोकाइनेसिस. एंड इसके बाद ये जो सेल है, सिंगल सेल है, ये यहां से टूटना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से बाद में जो अमीबा है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो जो अमीबा है उससे दो नए डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे. और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये किस प्रोसेस से डिवाइड हुए हैं, ये बाइनरी फिशन है. सिंगल से दो बने हैं. सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. व्हाट डू कॉल इट एज? साइटोकाइनेसिस. साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन या सेपरेशन. तो स्प्लिट होना, सेल का स्प्लिट होना. तो ये जो सेकंड प्रोसेस है इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. दिस डायग्राम इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी आल्सो. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी डिवीजन होगा तो पहले न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होगा और न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड होगा, उसके बाद सेल दो में डिवाइड होगा. तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ओके, सो दिस इज अबाउट बाइनरी फ्यूजन. इससे दो बनेंगे इसलिए दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बाइनरी फ्यूजन. ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एंड ये किसमें किसमें होता है अगर हम देखें तो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, एंड दिस इज ऑल्सो
लेशमानिया। तो इन सभी में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। बाइनरी फिजन के बाद एक और फिजन का तरीका है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो सिंगल सेल था उससे दो सेल नहीं बनेंगे, उससे बहुत सारे सेल्स एक साथ प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो सिंगल एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस ना बनके बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, जैसा कि होता है प्लास्मोडियम के केस में। प्लास्मोडियम आपको याद होगा, प्लास्मोडियम क्या है, प्लास्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो प्लास्मोडियम जो है उसमें सबसे पहले सिंगल न्यूक्लियस था, ये जो सिंगल न्यूक्लियस था ये क्या होगा, इसमें फिजन होगा और ये बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा और उसके बाद ये सभी न्यूक्लियस जो है ये पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी किनारे की तरफ चले जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे प्लाज्म सिंगल न्यूक्लियस सब में चला गया और ये इस तरह से टूट गया। गॉट इट? तो इस तरह से क्या हुआ, एक सेल से बहुत सारे सेल फॉर्म हुए। तो वी कॉल इट एज, व्हाट यू कॉल इट एज, मल्टीपल फिजन। एन एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। देन process and this is the reason why the species is able to continue its member on earth. ठीक है, now the other हमें से एक question पूछते हैं आपसे, the microorganism which undergoes binary fission is, इनमें से कौन सा microorganism है जिसमें binary fission होता है। तो हम जानते हैं virus में तो हमने पढ़ा नहीं है कि binary fission होता है, plasmodium में binary होता है कि multiple होता है, तो plasmodium में multiple fission होता है, तो answer is bacteria. Now, the second process that is called as fragmentation. Fragmentation का मतलब क्या होता है बेटा? Fragmentation का मतलब होता है कि जो organism है वो छोटे छोटे fragments में टूट जाए और उन fragments से नया organism बन जाए। ठीक है, तो fragmentation के केस में क्या होता है, जैसे अगर हम fragmentation देखें plants के केस में, तो इसमें सबसे important जो है या सबसे common जो है वो एक alga है जिसको हम बोलते हैं spirogyra। तो स्पाइरोगायरा एक ग्रीन कलर का एल्गा है, एक्वाटिक है, एल्गा है तो एक्वाटिक ही होगा। और इसमें क्या होता है कि जो ये पानी के अंदर पाया जाता है और किसी भी तरह के फिजिकल स्ट्रेस के कारण अगर ये टूट जाता है, तो स्पाइरोगायरा अगर किसी तरह का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस इस पर पड़ता है, तो जहां से भी ये टूट जाएगा, इसको न्यूक्लियस होना जरूरी है, बिना न्यूक्लियस के नया नहीं पैदा होगा, नया डेवलप नहीं होगा, तो जहां से भी ये टूट जाएगा वहां से क्या हो जाएगा, नया स्पाइरोगायरा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बड़े फ्रेगमेंट, वो पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये लिवर वॉर्ट्स में भी देखा जाता है, मॉसेस में भी देखा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन इन केस ऑफ लिवर वॉर्ट्स, मॉसेस एंड स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटता है और हर फ्रेगमेंट जो है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्लीज जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स आर वेरी मच नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। वैसे अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सके। आपने लिजर्ड के केस में देखा है कि लिजर्ड का अगर टेल कट हो जाता है तो वो अपने उस टेल को डेवलप कर लेती है। स्टारफिश के केस में देखा है कि अगर आर्म उसकी एक टूट जाती है तो वो नया आर्म डेवलप कर लेती है। पर यहाँ पर हम रीजनरेशन किस सेंस में बात करते हैं, यहाँ पर हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के सेंस में। मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो यहाँ पर अगर हम रीजनरेशन देखें तो द बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल वेयर रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एनिमल्स इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की जो एबिलिटी है रीजनरेट करने की वो बहुत हाई है। प्लेनेरिया विच इज अ फ्लैट ये प्लेनेरिया जो कि प्लैटिहेलमिंथस में आता है और इस तरह का कुछ दिखता है ये एनिमल। प्लेनेरिया फ्री लिविंग मेंबर्स हैं फाइलम प्लैटिहेलमिंथस के, जैसे कि फ्लैटफॉर्म्स होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये इन्होंने ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ये आपको पता है कि तीन लेयर से बना होता है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल है। प्लेनेरिया सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन करता है, पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है तो इसमें साइज बताया उन्होंने कि 4.5 सेंटीमीटर होता है लगभग इसका साइज। दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अभी हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लेनेरिया के केस में ये जितने हिस्सों में टूट जाएगा इसकी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी अच्छी है 1/276 समथिंग। मतलब कि अगर ये अबाउट 276 पार्ट्स में भी टूट जाता है तो हर पार्ट में
प्रिपरेशन है प्लेनेरिया के केस में। देन नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग मतलब नॉर्मल बर्ड फॉर्मेशन जैसे होता है। तो बडिंग में क्या होता है कि जो एनिमल है या प्लांट है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में सेल डिवीजन बढ़ जाएगी और सेल डिवीजन बढ़ने के कारण वहां पर एक आपको बल्ज दिखाई देने लगेगा, तो एक आउटर ग्रोथ दिखाई देने लगेगी और वही आउटर ग्रोथ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में वो प्लांट की बॉडी से या एनिमल की बॉडी से डिटैच हो जाती है। यहाँ पर जो हम बडिंग का केस पढ़ रहे हैं दैट वी आर स्टडीइंग इन केस ऑफ हाइड्रा एंड ईस्ट। तो हमें जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हमें हाइड्रा में पढ़ना है और ईस्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में बडिंग बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जब ये ऑर्गेनिज्म इसमें जो बर्ड है जब वो इंडिविजुअल बड़ा हो जाता है तो वो मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है। और यहाँ ईस्ट के केस में, ईस्ट विच इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, तो हमें याद रखना है कि ईस्ट जो है वो एक लौता यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। अब हम इसे देखें बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट के केस में इन्होंने बडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये सपोज करिए ईस्ट है, तो ईस्ट में सबसे पहले बिना न्यूक्लियस डिवाइड हुए तो कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहला काम है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, यहाँ पर हम देखें सो न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स है ईस्ट के अंदर, ईस्ट जो है यूनिसेल्यूलर है। देखिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करके न्यूक्लियस और कुछ वैक्यूल्स जो है वो अलग हो गए और इस तरह से एक नया ईस्ट जो है वो बन गया और बाद में वो वैक्यूल्स कंबाइन होकर फ्यूजन हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है, ईस्ट के केस में खास बात ये है कि वो मैच्योर होने के बाद डिटैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब वो मदर बॉडी में जुड़ा रहेगा, ठीक है बेटा, और जुड़े जुड़े ही एक नया ईस्ट उसमें से डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक चेन ऑफ बडिंग शुरू हो जाती है, तो मतलब वो इसीलिए ईस्ट जो है वो आपको सिंगल ना दिखकर ऐसा लगता है कि बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है। तो उसमें क्या हुआ, एक पेरेंट था, डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ और डॉटर सेल जो है वो पेरेंट बना और उसमें डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ, तो एक चेन बडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है ईस्ट के केस में। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो दो तरह के बर्ड्स हैं इसमें, एक्सटर्नल बर्ड्स एंड इंटरनल बर्ड्स। अभी जो हमने केस पढ़ा वो किसका था, एक्सटर्नल बर्ड्स का केस था, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल बर्ड्स का मतलब क्या होता है। इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं, ओके सो अब हम देखेंगे इंटरनल बर्ड्स का मतलब क्या होता है। इंटरनल बर्ड्स में क्या होता है, आपने स्पॉन्जिला के बारे में पढ़ा है, तो इन स्पॉन्जिला के केस में क्या होता है, जो बडिंग है वो उस एनिमल के अंदर, सेल के अंदर बडिंग होती है, ठीक है। और ये बर्ड्स जो है ये डेवलप हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं जेन्यूस। व्हाट डू यू कॉल दैट, वी कॉल इट एज जेन्यूस। सो ये स्पॉन्जिला का आपको दिया हुआ है, उन्होंने ये स्पॉन्जिला है एंड ये जेन्यूस है बेटा, ठीक है। सो वी कॉल इट एज जेन्यू। और जब ये जेन्यूस जो है ये वाटर में रिलीज हो जाते हैं और जब भी फेवरेबल कंडीशन में, जेन्यूस फॉर्मेशन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब खाना पानी कंडीशन सही नहीं है तब जेन्यूस बना के स्पॉन्जिला छोड़ देता है और बाद में क्या होता है, यही जेन्यूस जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर एनिमल में या स्पॉन्जिला में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट ये प्लांट्स में बहुत कॉमन तरीका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि फ्लावर को छोड़कर, फ्लावर एंड फ्रूट को छोड़कर अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बढ़ सकता है तो उसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, फ्लावर फ्रूट को रिप्रोडक्शन के लिए बने हुए हैं। बाकी हिस्सा क्या बचा बेटा, बाकी तीन हिस्से बचे, आपका एक बचा रूट, दूसरा बचा स्टेम और तीसरा बचा लीफ। तो अगर इनमें से नया प्लांट डेवलप होता है तो वी कॉल इट एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यू प्लांट्स किस तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, जिससे वो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्रोपोग्यूल्स कहते हैं, ठीक है। राइजोम,
ओके तो राइजोम का एग्जांपल क्या है, जैसे अदरक आपने देखा होगा, जिंजर, जो जिंजर है वो एक स्टेम है। स्टेम की क्या पहचान है, क्यों हम जिंजर को स्टेम कह रहे हैं, क्योंकि स्टेम की पहचान है उसके नोड्स एंड इंटर नोड्स का होना। तो दो एरियाज होते हैं
ठीक है बच्चे। तो ब्रायोफाइटा जिसको हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं, तो ये जो पॉट में भी लगा होता है, तो ये जो पत्ती है इस पत्ती के किनारे में नए रूट्स और नए प्लांट्स निकल आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती है और उसके भारी होने के कारण ये क्या होता है, ओके तो भारी होने के कारण ये जो लीव्स हैं जो वो नीचे की तरफ चली जाती हैं और वहां जाकर ये ग्राउंड को टच करती हैं, और जैसे ही टच करती हैं तो रूट्स को क्या मिल जाता है, सॉइल मिल जाता है, और जैसे ही रूट्स को सॉइल मिलता है ये नए प्लांट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कल हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और साथ में हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो आर्टिफिशियल जो है उसको हमें पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज।